अप्रैल 2023, गेट इकोनॉमिक्स 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया समय। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अंडरग्रेड में हैं या फिर मास्टर्स में हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, यदि आप अपने बिजी शेड्यूल से 2.5 से 3 घंटे हर रोज निकाल लें तो गेट इकोनॉमिक्स 2024 में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं प्रोफेसर हरिराम सिन्हा, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप गेट इकोनॉमिक्स 2024 की तैयारी आप कैसे करें सो दैट कि आपके रैंक बहुत अच्छे आए। तो बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बच्चों चलिए, बच्चों सबसे पहले तो मुझे आपको ये सिखाना है कि गेट इकोनॉमिक्स जो है वो एक्चुअली में दो लेवल पे कंडक्ट होता है। बच्चों गेट इकोनॉमिक्स दो लेवल पे कंडक्ट होता है, एक तो है आपका अंडरग्रेड लेवल पे, यानी ग्रेजुएशन पे है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तब आप गेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम आप दे सकते हैं। इसका लेवल का क्वेश्चन अलग होता है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसमें यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं, यदि गेट इकोनॉमिक्स मतलब अंडरग्रेड लेवल पे यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके दो फायदे हैं बच्चों। दो फायदे में मतलब पहला फायदा यह है बच्चों कि आप चाहें तो एमए इकोनॉमिक्स, एमए या फिर एमएससी इकोनॉमिक्स आप आईआईटी से कर सकते हैं बच्चों। ये एक पहला बेनिफिट है आपका। एक्चुअली में जो गेट इकोनॉमिक्स है ये पहले अटेम्प्ट में या मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी होता है और मास्टर्स लेवल पर भी होता है। तो पहली बात तो ये है, यदि आपका आप ग्रेजुएट लेवल पे आप गेट इकोनॉमिक्स दे रहे हैं तो आप एमए या एमएससी आप आईआईटी से कर सकते हैं बच्चों, आईआईटी से कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है बच्चों कि आपको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में जॉब भी ऑफर होता है। आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि यदि आप इंजीनियर हैं या फिर आपने इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो उसमें जो डिज़ायरेबल आपसे आपकी फीचर्स मांगी जाती है वो गेट का स्कोर मांगा जाता है। तो पब्लिक सेक्टर में भी आपको जॉब ऑफर होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जॉब में भी आपको प्रेफरेंस मिलती है बच्चों, पब्लिक सेक्टर जॉब में भी आपको प्रेफरेंस मिलती है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पब्लिक सेक्टर में जॉब इसके बेसिस पे ऑफर होगा, नहीं, पब्लिक सेक्टर में जॉब एक एक डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट है। यदि आपके पास गेट का स्कोर अच्छा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, पहली बात। ठीक है, ये तो हुआ यदि आप ग्रेजुएट हैं तो, है ना बच्चों, यदि आपने अंडरग्रेड लेवल पे दे रहे हैं तब की बात है बच्चों। दूसरा जो है आपको, पहले यहां पे मैं ये कर देना चाहता हूं बच्चों, दूसरा जो है आपका कि यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है तब, यदि आपने मास्टर्स लेवल पे है, यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है, यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है, ये जरूरी नहीं है बच्चों कि आपका मास्टर्स और अंडरग्रेड इकोनॉमिक्स में ही होना चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप गेट इकोनॉमिक्स में आप एग्जाम दे सकते हैं, आप गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप किसी भी आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से हैं आप ये दे सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप मास्टर्स में हैं तो यहां पे आपके लिए क्या होगा, क्या ऑप्शन होगा आपके पास, यदि आप गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं तो आप यहां पे पीएचडी
पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स आप आईआईटी से कर सकते हैं, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स आप आईआईटी से कर सकते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों, ये पहला पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट है, अगेन पब्लिक सेक्टर में जॉब आपके यहां से ऑफर होगा। सो पब्लिक सेक्टर में जॉब यहां पर भी है बच्चों, पब्लिक सेक्टर में जॉब ऑफर होगा यहां पर, ठीक है बच्चों। पब्लिक सेक्टर जॉब पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटीज, है ना बच्चों, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटीज, ये आप यहां से आईआईटी से कर सकते हैं बच्चों। पब्लिक सेक्टर में जॉब ऑफर होगा। और आज के ट्रेंड ये देखा गया है बच्चों, आजकल जो ट्रेंड देखा गया है दोनों ही लेवल पे यदि आप एमएनसीज में जॉब करना चाहते हैं बच्चों, यहां पे यदि आप अंडर ग्रेड हैं और एमएनसीज में भी जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपसे डिजायरेबल आपके जो डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है, डिजायरेबल आपके पास क्या कहते हैं, क्या वर्ड है वो, आपकी जो डिग्री है वो यहां पे देखी जाती है। तो एमएनसीज में भी आपके जॉब इसके प्रेफरेंस पे मिलते हैं बच्चों, एमएनसीज में भी जॉब इसमें प्रेफरेंस मिलता है। और यहां पर भी आपके लिए वही बात है बच्चों, एमएनसीज में भी जॉब यहां पे मिलते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहां पे, एक तो हुआ बच्चों ये एमएनसीज जॉब, ये तो हुआ आपका कि ये दो लेवल पे ये क्रिएट हो रहा है, दो लेवल पे एग्जाम हो रहा है बच्चों, आईआईटी जो आपका जो गेट इकोनॉमिक्स है वो दो लेवल पे हो रहा है, ग्रेजुएट एंड मास्टर्स लेवल पे। अब हम चलते हैं आगे, आप इसकी इसका सिलेबस क्या है बच्चों। तो सिलेबस जनरली जो मास्टर्स लेवल पे या अंडरग्रेड में जो आपने पढ़ा हुआ है वही सिलेबस होता है बच्चों यहाँ पे। यानी यहाँ पे आप यदि देखें तो सिलेबस की यदि हम बात करते हैं बच्चों, यदि हम सिलेबस की बात करें यहाँ पे, तो सिलेबस की हम बात करें तो आपने जो भी आपने अंडरग्रेड या मास्टर्स में पढ़ा है, जो भी टॉपिक आपने अंडरग्रेड मास्टर्स में पढ़ा है वो ही सारी टॉपिक पढ़ना है। लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है मैं आपको बताता हूं, देखिए प्लीज यहां पे आप देख सकते हैं, जो पहला टॉपिक मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं बच्चों, वो पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों। पहला टॉपिक क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना बच्चों। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है, आप नेट जीआरएफ की भी तैयारी करते हैं, यदि आपने मास्टर्स है तो आप नेट जीआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं और गेट की भी तैयारी, मेरी बात मानिए तो आप करते जाइए, गेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करते जाइए। कौन जानता है आपकी किस्मत कल कहां आपका फेट है, कोई जानता थोड़ी ना, नहीं जानता है। तो आप उसी प्रोसेस में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए और यहां पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस यहां पे आपको मैथमेटिक्स के टर्म्स में पढ़ना है बच्चों, यानी मैथमेटिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स आप इसको कहेंगे, या फिर आप कहेंगे अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ज्यादा ध्यान रखना बच्चों, अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको, अब आपको ये कह रहे सर अप्लाइड का क्या मतलब है, सर ये अप्लाइड का क्या मतलब है, तो मैं आपको यहां पे एक बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूं बच्चों। अप्लाइड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हैं कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करता है वो इक्विलिब्रियम होता है, ये आप नेट जीआरएफ के लेवल पे पढ़ते हैं और अपने अंडरग्रेड और मास्टर्स के लेवल पे भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं पूछी जाएगी, यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में पूछा जाएगा कि यहाँ पे डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से आप देखें, सो क्वान्टिटी डिमांडेड यहाँ पर दे देगा, मान लेते हैं 100 माइनस 5 पी, ये एक्स है बच्चों, पी एक्स,
एंड क्वांटिटी सप्लाइड जो है यहां पे दे देगा एक्स का -20 प्लस 5 पी एक्स। अब यहां से आपको पूछ सकता है, यहां पे आपसे पूछ सकता है कि यहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बताइए, यहां पे आपसे पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बताइए। मतलब मेरा मतलब ये तो एग्जांपल है, मेरा मतलब ये है कि अब डायग्राम के साथ साथ इकोनॉमिक्स में आप डायग्राम और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ते थे, यदि आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो डायग्राम थ्योरी डायग्राम एंड मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिटेल में आपको यहां भी पढ़ना पड़ेगा और इसी को आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। यदि आपका डिमांड इस तरीके से है, यदि डिमांड कब यह है और सप्लाई कब यह है, तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा यह आप बताइए। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का होगा कि मान लेते हैं कि इलास्टिसिटी बढ़ जाती है या इलास्टिसिटी घट जाती है, तब प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है। मत सिर्फ एंड सिर्फ आपको यह बताना चाहूं, इसका मैथमेटिकल अप्रोच आपको आना चाहिए, चाहे आप जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। सिमिलर तरीके से ये तो एग्जांपल्स मैंने बताया बच्चों माइक्रो में। इसके बाद आपका है दूसरा पॉइंट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप लोग जानते ही जानते हैं बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगेन यहां पर भी आपको अप्लाइड ही पढ़ना है बच्चों, यहां पर भी आपको अप्लाइड ही पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अप्लाइड ही पढ़ना है, अप्लाइड। जैसे आपको यहां पे कुछ क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल दे दिया, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, बताया जा सकता है कि बस एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको इस तरीके से पढ़ना है, पूछ दिया कि आप जैसे कि पिछले 10 साल का डेटा दे दिया, इन्फ्लेशन का डेटा दे दिया और पूछा कि जैसे 2013 से या 2014 से अभी तक का डेटा है, तो आपसे पूछ सकता है कि मतलब 2018-19 में इन्फ्लेशन कितना परसेंट था, या फिर 2000 कोविड पीरियड में जब पूरा इंडिया लॉकडाउन से गुजर रहा था तो इन्फ्लेशन कितना था, और वो इस इन्फ्लेशन का आप किस क्या रीजन था, आपके थ्योरेटिकल पॉइंट से व्यू से बताइए कि उसका क्या रीजन था, इकोनॉमिक्स में उसके लिए क्या थ्योरी अवेलेबल है आप बताइए। तो मेरा मतलब है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं, उसको डे टू डे लाइफ में किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक और चीज बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका जो सिलेबस है, यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग ये एक ही साथ है, इसमें मनी एंड बैंकिंग एक ही साथ है बच्चों, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग एक ही साथ है यहां पे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा जो गेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट, चूंकि IIT से रिलेटेड है ये कोर्स, इसका एग्जाम IIT लेता है, तो उस पे तो आपको ज्यादा फोकस करना है बच्चों, दैट इज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा है बच्चों मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। यहां पे मैं आपसे आपको बता के यहां पे स्टार लगाना चाहता हूं बच्चों कि ये पूरे इकोनॉमिक्स का जो पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसका स्टार, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे इकोनोमेट्रिक्स में आपको, मतलब इकोनोमेट्रिक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम सीरीज पढ़ना है बच्चों, और इसमें जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है वो ज्यादा पढ़ना है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस बहुत ही ज्यादा पढ़ना है,
टाइम सीरीज पढ़ना है, ऑटोकोरिलेशन, हेटरोसिडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनरिटी, ये सारी चीजें यहां पे पढ़नी है और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको गेट इकोनॉमिक्स में, सिर्फ थ्योरी नहीं, उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है यहां पे, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें बच्चों, चौथा पॉइंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, चौथा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी आपको अप्लाइड ही पढ़ना है, मतलब थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों, थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, अप्लाइड पोर्शन भी जरूर पढ़ना है बच्चों, अप्लाइड पोर्शन भी पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको एक्सचेंज रेट से डेटा दे दिया, रियल एक्सचेंज रेट से डेटा दिया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट से डेटा दिया, और आपसे पूछ सकता है कि कितना परसेंट से एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, उसके क्या रीजन है इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, उससे आप उससे उसके एक्सप्लेनेशन के लिए कौन सी थ्योरी आपके पास है तो आपको समझाना है, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बाद आपके पास है पब्लिक इकोनॉमिक्स, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं पब्लिक इकोनॉमिक्स कुछ चीजें जो आपको जाननी है, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों मैं एक साथ इसलिए बोल रहा हूं कि ग्रोथ स्टोरी जो है, यानी ग्रोथ थ्योरी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ किस तरीके से हुआ है उसके डेटा पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ग्रोथ थ्योरी एंड इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी एंड इंडियन इकोनॉमी, एंड इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ थ्योरी एंड इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इंडियन इकोनॉमी से अगेन आपको डेटा पे काम करना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों क्या आप तैयार हैं गेट इकोनॉमिक्स 2024 को क्रैक करने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो आज से ही लग जाइए और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल करें, मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसकी तैयारी डिटेल में किस कैसे की जाए बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।